नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आपका महाकाल टुडे में। मैं हूं आपके साथ अरुण वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज 9 दिसंबर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया गया। वर्ष की अंतिम लोक अदालत आज 9 दिसंबर शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपन्न की गई। आज की लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में कई प्रकार के प्रकरणों में पक्षकार लाभान्वित हुए। जिले की 44वीं खंडपीठ में से एक परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक गुप्ता के न्यायालय में घरेलू विवाद के प्रकरणों का निराकरण किया गया, जहां आरजू ने पति सोहेल, सरिता ने पति विक्रम, हिमांशी ने पति लोकेश, ममता ने पति प्रकाश के विरुद्ध भरण पोषण का केस लगा रखा था। लोक अदालत में दी गई समझाइश के आधार पर उक्त सभी प्रकरण समाप्त कर आज से ही साथ में रहने के लिए न्यायालय से साथ गए। इसी प्रकार श्रम न्यायालय में शाजापुर निवासी राजेश अपनी पिकअप से गुना जाते समय ग्राम कोटड़ी चाचोड़ा में 14 अप्रैल 2018 की रात 11:30 बजे जा रहा था, तभी कंटेनर चालक ने लापरवाही से चलाकर कंटेनर से पिकअप में टक्कर मार दी, जिसमें राजेश की मृत्यु हो गई थी। राजेश की मां कमलाबाई ने वाहन मालिक तथा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के विरुद्ध श्रम न्यायालय में वाद लगाया, जिसमें न्यायालय में लोक अदालत में हुए समझौते के अनुसार मृतक की मां के पक्ष में 8.5 लाख रुपए का अवार्ड पारित हुआ। लोक अदालत में आज लगभग 24,000 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें लिटिगेशन, प्री लिटिगेशन के प्रकरण थे, जिसमें कोर्ट में लगभग 9,000 पेंडिंग थे। वहीं लगभग 15,500 प्री लिटिगेशन के प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा गया था। इनमें विद्युत विभाग, संपत्ति कर, कोर्ट में पेंडिंग प्रकरण जैसे मोटर एक्सीडेंट, चेक बाउंस, दंडित प्रकरण, फैमिली प्रकरण, सिविल प्रकरण, घरेलू विवाद आदि शामिल थे। इस दौरान हुए निराकरण में लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट भी प्रदान की गई। बैठो बैठो, आराम से काम करो। तो ये बताओ, तीन लोग कलेक्शन देते हैं, ये सर दोनों काउंटर है, ये चेक करते हैं फिर वहाँ से जमा, ये कैश कलेक्शन करते हैं बस, ये सर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 24,000 प्रकरण रखे गए हैं, जिसमें लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन दोनों तरह के केसेज इन्वॉल्व है। लगभग 9,000 केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग हैं ऐसे, और लगभग 15,500 केसेस जो प्री लिटिगेशन है। प्री लिटिगेशन में जो भी शासकीय विभाग है, नगर निगम, संपत्ति कर, जल कर, विद्युत विभाग, पीएचई, बीएसएनएल, बैंकिंग, इससे रिलेटेड जो भी आपके केसेस हैं उन संस्थानों में, उनका निराकरण हो रहा है। छूट दी गई है विद्युत विभाग द्वारा, संपत्ति कर में नगर निगम द्वारा, और जो कोर्ट में पेंडिंग केसेज हैं उसमें आपके मोटर एक्सीडेंट, चेक बाउंस, दंडित प्रकरण, सिविल प्रकरण, घरेलू विवाद, फैमिली कोर्ट के विवाद, ये सारे केसेस उसमें रखे गए हैं।